सेकेंड है थर्टीन प्राइस कैप ऑन बॉटल्ड वाटर ये एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में हम पढ़ेंगे और ये केरला में कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है थर्ड इज अबाउट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ए डी आर रिपोर्ट्स फोर्थ है जामा मस्जिद जामा मस्जिद में हम इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फिफ्थ इज अबाउट मिशन रफ्तार ऑफ इंडियन रेलवेज सिक्सथ है पेस्टिसाइड बिजनेस रेगुलेशन एंड देन फोर्थ है बर्ड्स ऑफ अ फैदर इसमें हम यूएसए और इंडिया की फ्रेंडशिप के बारे में जानेंगे देन एट्थ इज अबाउट न्यूट्रिशन एंड द बजट्स फाइन प्रिंट ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसमें हम न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे देन थर्ड इज़ अबाउट राइडिंग ऑन डेटा फॉर मोबिलिटी तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का हम ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं विल हैव अ लुक ऑन दैट देन हम पढ़ेंगे राज्यसभा प्रोडक्टिविटी इलेवेंथ इज अबाउट इन्फ्लेशन क्लाइम्स हम इन्फ्लेशन को देखेंगे वॉट इज इन्फ्लेशन वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है देन ट्वेल्थ इज अबाउट विवाद से विश्वास बिल सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स लेट अस स्टार्ट पहला ये फोटो को देखो यहाँ पे पिक्चर को ये एन के पर्सनल है और ये सन टेम्पल नियर रामचंडी बीच इन कोनार्क ओडिशा में ये एक बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं बांग्लादेश के म्यांमार श्रीलंका नेपाल और इंडिया इसका होस्ट है अभी ये थ्री डे का इवेंट है सेफ्टी ऑफ हेरिटेज साइट्स एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर सबसे पहले व्हाट इज़ एनडीआरएफ एन डी आर एफ जो है ना ये हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्डर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी डिज़ास्टर डिज़ास्टर क्या हो सकती है जैसे अर्थक्वेक आया या फिर फ्लड्स आए सुनामी आया ड्रॉट हो गया एनी टाइम टाइप ऑफ डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकती है और मैनमेड भी हो सकती है तो ये फर्स्ट रेस्पोंडर होते हैं ये तुरंत आके उसमें एक्ट करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये जो एन होती है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से हमने इसको बनाया था और ये रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसका मोटो क्या है सेविंग लाइव एंड बियॉन्ड बियेंड वॉट इज बिमस्टेक बिमस्टेक मतलब ये बे ऑफ बंगाल है ना तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये बे ऑफ बंगाल है ये पूरा दिस इज बे ऑफ बंगाल ये अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन है यहाँ पे सो बे ऑफ बंगाल की विसिनिटी में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये ग्रुप बना है बिम्स्टेक इसमें कंट्रीज़ कौन सी हैं जैसे बांग्लादेश है नेपाल है भूटान है म्यांमार है थाईलैंड है श्रीलंका है ये पूरी कंट्रीज़ है ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर बनी थी फर्स्ट समिट थाईलैंड में था और श्रीलंका इसका करंट चेयर है नाउ बिम्स्टेक का अभी हो रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 ट्वेंटी जब भी कोई डिज़ास्टर आती है ना तो उसमें तीन फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक होता है प्री डिज़ास्टर मतलब आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है उतना ही आप कम ब्लीड करोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ड्यूरिंग द डिज़ास्टर आपका रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है और जब डिजास्टर खत्म हो गई तो पोस्ट डिजास्टर जो आपका रीबिल्ड प्रोसेस है उसमें आप कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो सो प्री प्री डिज़ास्टर ड्यूरिंग द डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर ये तीन फेजेज होते हैं नाउ इमरजेंसी प्रोसीजर्स डिजास्टर प्रॉब्लम ड्यूरिंग फ्लड अर्थक्वेक स्टॉप ये सारे काम होते हैं एन डी आर एफ इसको देखती है अब ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ना ये है री स्टोरिंग हेरीटेज साइट्स डैमेज ड्यू टू डिज़ास्टर जैसे ये टेम्पल है ये हेरिटेज साइट है एक्वेटिक डिज़ास्टर रेस्पॉन्स इस बार हम देख रहे हैं तो थीम क्या है इस अवेयरनेस ड्रिल का अ कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर्स सीवियर डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लडिंग ऑन स्टॉक तो ये यहाँ मॉक ड्रिल्स ऐसा यहाँ कंडक्ट किया है एन और बिम्स्टेक ने मिल के नाउ ये केरला ने इम्पोज़ किया थर्टीन रुपी प्राइस कैप ऑन बॉटल्ड वाटर ये जो हम बॉटल लेते हैं ना एक्वा, एक्वागार्ड एक्वा, एक्वा और किनले और इन सब की जो बॉटल आती है ट्वेंटी रुपी की मिनरल वाटर इस पर इन्होंने कैप कर दिया है थर्टीन का इसलिए किया है बिकॉज ये है एसेंशियल कॉमोडिटीज को मना है एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट होता है 1955 इसमें ये प्रोविजंस हैं कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं मतलब बहुत ज़रूरी आइटम्स हैं उनका रेगुलेट करती है गवर्नमेंट प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ये गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर सकती है कि अगर कहीं स्टॉक होल्डिंग हो रही है आर्टिफिशियल स्कॉर्सिटी बनाई गई है जैसे अन्यन और फूड की प्राइसेस में कई बार हम देखते हैं तो ये ब्लैक मार्केटिंग को कम करना और एक कैप बनाना ताकि उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उस प्रोडक्ट का एसेंशियल कॉमोडिटी का तो गवर्नमेंट कई बार इसमें फेयर प्राइस भी डिसाइड कर देती है फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स ड्रग्स फर्टिलाइजर्स पल्सेज एडिबल ऑयल ये बहुत ब्रॉड विंडो है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि वो एसेंशियल है हमारे हर ऑर्डिनरी पर्सन के लिए उसमें गवर्नमेंट ऐसे इंटरवेंशन कर सकती है तो यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि ये जो पैक्ड वाटर बॉटल्स होती हैं इसका प्राइस कैप करो थर्टीन रुपी ये केरल में हुआ है गवर्नमेंट ने नाउ ये है पेज नंबर वन नाउ ये पुडुचेरी हाउसेज पासिस पुडुचेरी में भी लजिसलेटिव असेंबली है दिल्ली में है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी इन तीनों के पास लजस्लेटिव असेंबली है सो दिस इज़ पेज नंबर टू ये पेज नंबर थ्री है ये ए डी आर की रिपोर्ट बोलती है एम एल ए विथ क्रिमिनल केसेज हैव नियरली डबल्ड फ्राम टू थाउजेंड फ़िफ्टीन जो बहुत गलत बात है सिक्सटी वन परसेंट ऑफ न्यूली इलेक्टेड एम एल ए डिक्लेर्ड क्रिमिनल केसेज एज अपोर्स टू थर्टी फोर परसेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन सो दिस इज़ अ ट्रबलिंग डेटा लेट एस फर्स्ट नो अबाउट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ए डी आर क्या होता है ए डी आर जो है ना ये एक इंडियन नॉन पार्टिसन एन जी ओ है ये वर्क करता है इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के डोमेन में इसका पर्पज़ क्या है ट्रांसपेरेंसी लाना और अकाउंटेबिलिटी लाना नाइनटीन नाइन्टी नाइन में आई एम अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स थे उनने मिल के ये ए डी आर को बनाया था ये पी आई एल फाइल करके अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये इलेक्शन वॉच है एनालिसिस करता है एफिडेविट का एफिडेविट फाइल करते हैं ना कैंड कंटेस्टेंट जो हैं कैंडिडेट्स हैं तो ये उसका एनालिसिस भी करता है पॉलिटिकल पार्टी का वॉच करता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है उसकी फंडिंग कैसे हो रही है लीगल एडवोकेसी प्रोवाइड करता है इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे यूथ रिच प्रोग्राम्स हैं हम बदलेंगे अपना भारत ए कैंपस आर एम्बेसडर ये काफ़ी नोटवर्दी वर्क है ए के ये एडिया रिपोर्ट भी देता है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेवेंटी न्यूली इलेक्टेड एम एल ए में सिक्सटी वन परसेंट हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस तो पॉलिटिक्स का डी क्रिमिनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है ये हम देख रहे थे ना सेंट्रल विस्टा वीर वीर वी आर स्टडिंग अबाउट इट ये पूरा सेंट्रल विस्टा है पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट हाउस नॉर्थ साउथ ब्लॉक ये पूरा सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प का भी प्लान चल रहा है तो यहाँ जो नाइन एकड़ की लैंड है वहाँ पे गवर्नमेंट नए बिल्डिंग्स बनाएगी अब ये जो बिल्डिंग्स बनाएगी तो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि ये खाली प्लॉट्स है बट वो खाली प्लॉट्स नहीं है वो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रिजर्व है अगर वो हट गया तो जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके लिए स्पेस कम हो जाएगा तो इसलिए इसको यहाँ पे चैलेंज किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कि इसमें एक डिटेल्ड डिस्कशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ये है जामा मस्जिद जामा मस्जिद है ये शाहजहाँ ने सिक्सटीन में बनाया था इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क अब ये जो आर्किटेक्चर है ना ये आर्किटेक्चर को देखो इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जामा मस्जिद में जो इसका ये बिल्डिंग बनी है ये सैंडस्टोन और मार्बल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ेज है यहाँ पे अब इस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी क्या होती है आर्क ये देखो ये आर्क टाइप फॉर्मेशन है ना दीज आर कॉल्ड आर्क दिस इज आर्क दिस इज दीज आर आर्स दीज आर आर्स देन यहाँ पे डोम होता है दिस इज डोम एंड यहाँ पे मिनारेट्स होती हैं ये मिनारेट्स हैं ये सारी ये मिनारेट्स हैं तो जो आर्क होता है वो बताता है फ्रेम को फिल करता है फ्रेम को डोम बताता है स्काई स्केप स्काई को ये बताता है मिनारेट्स क्या बताती हैं ये सिम्बल्स इन द मिडल ऑफ डेजर्ट ये वॉच टावर टाइप था फायर और जो पासअवे है और इनको एक डेस्टिनेशन गाइड करने का गाइडेंस टावर टाइप का काम करता था ये पहले अब इस आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे अर्बेस्क्यू क्यू मैथड ज्योमेट्रिकल पैटर्न ज्योमेट्री बहुत एक्सेलेंट होती है इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कैलीग्राफी होती है और पित्रा दुआ होता है इसमें जो जेम्स होते हैं ना उसको ऐसे एम्बोज कर देते हैं वॉल में दैट इज कॉल्ड पित्रा दुआ और ये कैलीग्राफी ज्योमेट्रिकल पैटर्न सो दिस इज अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ इंडियन स्टाइल एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर सो दिस इज़ पेज नंबर फोर नाउ दिस इज़ पेज नंबर फाइव और ये है पेज नंबर सिक्स ये है पेज नंबर सेवन प्लान टू कट मुंबई टू दिल्ली अब केवल आप बारह घंटे में ट्रेवल कर सकते हो इन ओनली ट्वेल्व आवर्स जो वेस्टर्न रेलवे है ये मिशन रफ्तार लेके आ रहा है इससे हम सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएंगे तो बुलेट ट्रेन आर सेपरेट ये एक अलग सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा तो जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर हैं हम उसी को इम्प्रूव करेंगे एडवांसमेंट्स लाएंगे वहां पे तो ये प्रोजेक्ट आएगा वेस्टर्न रेलवे में मुंबई टू दिल्ली सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा 160 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगी ये 1384 किलोमीटर लॉन्ग है और ये डिस्टेंस अब केवल 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी इसके लिए इन्हें क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ेगी पहली इनको फेंस बनानी पड़ेगी अलोंग द ट्रैक क्योंकि हम कई बार देखते हैं ना ट्रेस पासिंग हो जाती है कैटल्स आ जाएंगे तो इतनी हाई स्पीड में फिर ट्रेन क्या करेगी सो इट इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम यहाँ पे फेंस बनाएं ताकि ये जो ट्रेस पासिंग है वो स्टॉप हो सके रोड ओवर ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे सब बनाने पड़ेंगे वैक्यूलर ट्रैफिक्स और इनके लिए जो ओवरहेड ओल्ड स्ट्रक्चर्स है उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा देन हमें एक फीडर लाइन चाहिए होगी फीडर लाइन मतलब ये ट्रैक है इसके पास एक इलेक्ट्रिक फीडर लाइन चलेगी ताकि ये हाई पावर उसको ट्रेन को सप्लाई कर सके सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है इसका भी हमें अपग्रेड नेसेसरी होगा टू ब्रिंग दिस हाई सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स यहाँ पे देन दिस इज पेज नंबर सेवन दैन दिस इज पेज नंबर एट ये टीम वर्क है ये क्या कर रहे हैं आफ्टर डेज ऑफ पुअर कैच फिशरमैन हैडिंग टू द सी फ्रॉम द विजंगम कोस्ट एट तिरुवनंतपुरम इन केरला देन ये अमेजोन में आज कल इथेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़े हिट हो गए हैं केरल जो है ना यहाँ पर अभी कोस्टल जोन मैनेजमेंट हमने देखा था ना सी आर जी वॉयेशन इस पे रेडी टू कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है कि इस जो सी आर जी वॉयेशन है उसका हमें प्रोवाइड करो ताकि उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सके देन दिस इज़ पेज नंबर एट एल पी जी है इसका रिफिल प्राइस वन फोर्टी नाइन रुपी हाइक हो गया है यह नॉन सब्सिडाइज एल पी जी सिलेंडर का होगा फोर्टीन पॉइंट टू के जी वाले देन दिस इज बिल टू रेगुलेट पेस्टिसाइड बिजनेस गेट्स ग्रीन लाइट पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े पेस्टिसाइड मतलब इनको मारने के लिए हम ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और जिससे जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है वो डैमेज नहीं होती है बिकॉज ऑफ दीज इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अब इसके लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 ये रिप्लेस करेगा इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 इस बिल में ये प्रोविज़न है कि कई बार जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना पेस्टिसाइड्स होते हैं ये डुप्लीकेट होते हैं मतलब ये इफेक्टिव नहीं होते हैं तो इससे फार्मर्स को क्रॉप का लॉसेज होता है तो उस केस में कंपनसेशन प्रोवाइड होगा फार्मर्स को इन केसेज ऑफ लॉसेज फ्रॉम द यूज ऑफ स्पोरियस एग्रोकेमिकल्स अब ये जो कंपनसेशन होगा इसका पैसा कहाँ से आएगा इसका पैसा आएगा एक फ़ंड से और वो फ़ंड हम बनाएंगे कलेक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जो ये बनाते हैं ना पेस्टिसाइड्स उनसे हम ये फ़ंड बनाएंगे और उससे इन फार्मर्स को कम्पनसेट करेंगे इन केस ऑफ रॉन्ग पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल यूज पेस्टिसाइड्स होती हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें ओपन सोर्स में देनी पड़ेगी डिजिटल फॉर्मेट में ताकि लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले पाएँ इन्फॉर्म चॉइसेस का मतलब होता है कि आपको सब चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंट वे में रख दो अब ये आप डिसाइड करो कि वॉट यू वॉन्ट दिस इज़ अ फेयर वे ऐसे ही डील होनी चाहिए इन दिस टाइप ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अब स्टेट्स जो है ना इसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है कई बार इनका से इंक्लूड नहीं हो पाता है तो यहाँ पे स्टेट्स का भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस बिल जो भी पेस्टिसाइड्स बनती है ना उसमें बहुत सारी जो 60 परसेंट होती है ना वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती है अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रेगुलेट नहीं होगी तो हमें ज़रूरी है कि हम पेस्टिसाइड्स का रजिस्ट्रेशन भी इं, हम इंक्लूड करें इस पर हमें एम्थिसाइज़ करने की ज़रूरत है पेस्टिसाइड्स ऑल्दो आर नेसेसरी इससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है बट इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट आ रहा है हम कई बार बढ़ते हैं ना बायो बायोक्यूमलेशन हो जाता है ये जाती हैं क्रॉप्स में क्रॉप्स से आती है हमारे यहाँ और ये ऐसे करके जो पेस्टिसाइड्स है वो फूड चेन में एंटर हो जाती है सॉइल में क्या इम्पैक्ट हो रहा है एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स का सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जुडिशियल यूजेज लें और एक्सेस यूजेज जो होता है पेस्टिसाइड्स का वो नहीं होना चाहिए इससे एक और प्रॉब्लम आती है जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अक्सर पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आते हैं थोड़े टाइम बाद वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको इन इंसेक्ट्स को मारने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स फिर उन्हें सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट जुडिशल यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड इज़ इम्पॉर्टेंट सो दिस इज पेज नंबर नाइन ये है पेज नंबर टेन एडिटोरियल बर्ड्स ऑफ अ फेदर बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मोदी और ट्रंप है इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी चल रही है अभी अब जो ट्रेड डील्स होगी जब ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेबररी को तो ट्रेड डील्स आर एक्सपेक्टेड डिफेंस डील्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका प्रेसिडेंशियल टेन्योर था टू थाउजेंड सिक्सटीन टू टू नाउ टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद अगर ये वापस इलेक्ट होके नहीं आए तो इनकी पार्टी है रिपब्लिकन अगर उसको रिप्लेस कर दिया डेमोक्रेटिक ने तो और जो इंडिया में अभी हाल फिलहाल में डोमेस्टिक पॉलिसीज थी इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आके जीत गई तो फिर फिर क्या होगा सो दीज आर ऑल दैट वी शुड ऑल्सो कीप इन कंसिडरेशन अभी जो मोटी मोटी बातें होंगी ना इंडिया यूएस ट्रेड डील में वो होगी मेडिकल डिवाइसेस एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो जीएसपी था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इसका जो इंडिया को टर्मिनेट कर दिया था इस लिस्ट से इसको वापस री इंक्लूड करने की बात हो सकती है हम 2.6 बिलियन के 24 फोर एम एच सिक्सटी हेलीकॉप्टर्स ख़रीद सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम भी इंक्लूड हो सकता है इनमें बट दिस विल ऑल डिपेंड कि बहुत सारे इप्स एंड बर्ड्स हैं इन सारी कंडीशन में अब ये अगेन वहाँ पे यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस पर आर्टिकल है कि वहाँ पे जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पे कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा उसके भी अलग अलग प्राइमरीज़ होती हैं ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर सकें विद इन द पार्टी इसके लिए बर्नी सैंडर्स आ गए हैं देन जो बिडन है तो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है और मीन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना इनका अप्रूवल रेटिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है ऑल ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में रहते हैं बट यू की जो सिटीजन uh, है वो इनको काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेटिंग दिए हैं फोर्टी नाइन परसेंट चल रहा है इट इज़ हाइएस्ट सिंस द डे ही टुक ऑफिस तो ऐसा भी मानने का है कि शायद ये फिर से री हो जाएंगे देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है न्यूट्रिशन एंड द बजट फाइन प्रिंट इस आर्टिकल को एक बार खुद से पढ़ना यू वुड गेट एक्सलेंट पॉइंट्स अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट होती है एक इसने इंडिया को सीरियस हंगर कंडीशन में 102 रैंक दिया आउट ऑफ 117 वन सेवन रैंक विच इज नॉट गुड जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है ना दिस इज डाइट दिस इज डाइट मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है 6 टू 23 थ्री मंथ्स के बच्चों के लिए उसमें केवल वन 10 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मिल रही है बाकी लोगों को नहीं मिल रही है विच इज़ अ वेरी सैड थिंग जो प्रिस मेजर्स हमने यहाँ पे लिए हैं अनप्रिसिडेंटेड मेजर्स यूनियन बजट में टू टू टेकल विद दिस प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन मल न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप खाना तो खा रहे हो बट वो खाना हेल्दी नहीं है वो खाना सफिशेंट नहीं है तो आप में बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग होता है देन चाइल्ड स्टंटिंग होता है सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज न्यूट्रिशन होलिस्टिक होना चाहिए मतलब कंप्लीट फूड होना चाहिए पोषण अभियान हम लेके आए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अभी चल रहा है और इन सब में हमने ट्रैकिंग का भी प्रोविज़न रखा है मतलब जो हमने एफ़र्ट्स डाले हैं उसके डिज़ायर्ड बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं अब इसके जो डायमेंशन होते हैं ना मल न्यूट्रिशन के ये हो सकते हैं कैलोरीफिक डेफिशिएंसी मतलब ह्यूमन को कितनी कैलोरी चाहिए सपोज़ 400 कैलोरी चाहिए बट आपको इतनी कैलोरी मिल रही है आपके फूड से या नहीं मिल रही है प्रोटीन है या नहीं है इंडिया में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन डाइट में अक्सर प्रोटीन की कमी हो जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या नहीं है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं अब जो एग्रीकल्चर होती है ना इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने एक गवर्नमेंट एक स्कीम लाया था भारतीय कृषि पोषण कोष आइडिया ये था कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा करेगा एग्रीकल्चर मतलब प्रोड्यूस अच्छा होगा फोर्टिफाइड फूड भी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इस जो डेफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो फुलफिल हो जाएगी इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिल गेट्स इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अब कैलोरफिक डाइट को कम्प्लीट करने के लिए हम आई स्कीम लेके आए हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन चेकअप ये काफ़ी वॉर फुटिंग पे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं चिल्ड्रन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर इन पे स्पेशल एम्फेसिस है प्रेग्नेंट मदर बेबी इज़ नॉट डिलीवर्ड एंड लैक्टेटिंग मदर मतलब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी देन एडोलिस गर्ल्स अक्सर इसमें आ, इनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट इज़ वेल एलोकेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है इस पर ज़्यादा फंडिंग दो मिड डे मील स्कीम है इसमें स्कूल चिल्ड्रन को हम एक बैलेंस डाइट देते हैं दिस इज वेरी असेंशियल प्रोटीन हंगर के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है पल्सिस दाल तो आई सी मिड डे में भी हम प्रोटीन पे एम्पेसाइज कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रेंड के लिए हमने मिलेट का एक डाइट पे एम्पेसाइज किया है यहाँ पे नेशनल मिलेट मिशन देखो 2018-19 को हमने ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस पोषण अभियान होता है इसमें एक चीज़ और देखने वाली आई है कि जो 72% एक्सपेंडिचर है ना वो सारा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस में गैजेट्स खरीद रहे हैं मॉनिटरिंग रिंग हो रही है कॉस्टली एक्सपेंसिव गैजेट्स ले रहे हैं द पॉइंट इज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है कि हम फूड डिलीवरी करें प्रॉपर मैनेजमेंट करें लीकेज नहीं हो और डिलीवरी एट द लास्ट माइल हो ये जो हाई फाई गैजेट्स भी हम लेते हैं ना और इस पर भी हम सेवेंटी टू परसेंट सारा पैसा तो इधर ही खर्च हो गया तो बाकी जगह कहाँ पैसा आ जाएगा दिस इज़ वन ऑफ द इशू दैन लिंकेजेस होने चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के मिशन होते हैं ना ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करना चाहिए मतलब जैसे आपने पोषण अभियान चलाया है ये सप्लीमेंट करना चाहिए एग्रीकल्चर पोषण कोष जो है तो तभी हमें एक होलिस्टिक रिजल्ट मिल सकता है इंडिपेंडेंट स्कीम्स नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चरल न्यूट्रिशन है एन ने बताया कि थ्री फिफ्थ हाउस होल्ड जो रूरल में है ना वो एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर को ठीक करो तो जो ये दिसमाल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगी हम जीरो हंगर चाहते हैं ट्वेंटी थर्टी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है ये एक्सप्लिसिट मेंशन है इसमें न्यूट्रिशन का प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मैंशन है तो वी नीड अ कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है फूड इज नॉट जस्ट एन एंड इन इट्सेल्फ बट ऑल्सो एन एसेंशियल इन्ग्रेडियंट इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल देआर फोर इम्पोर्टेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन दिस इज अ वेरी ट्रू हंड्रेड परसेंट ट्रू है आप एक बार अपनी डाइट पे ध्यान दो अच्छा खाना खाओ वेल बैलेंस खाना खाओ देन सी कितना इम्प्रूवमेंट आता है आपके डे टू डे रूटीन में डाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये हेल्दी भी होना चाहिए और सफिशेंट भी होना चाहिए देन दिस इज़ पेज नंबर टेन ये है राइडिंग ऑन डेटा फॉर मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसा हो रहा है और डेटा मतलब अभी हमारा डिजिटल रिवोल्यूशन चल रहा है तो अभी ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और इस डेटा को अब ज़रूरी है कि हम यूज़ करें गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए बिज़नेसेस करने के लिए दिस नीड्स टू बी चेंज अब इसमें बैरियर्स जो आते थे ना पहले वो आते थे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अब इस जो रिवॉल्यूशन आई है टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आई है इससे ये बैरियर ऑफ सर्विसेज आर एलिमिनेटेड फॉर एग्जांपल हम जैसे ऑन यू आर वाचिंग दिस वीडियो देयर इज़ नो बैरियर डिस्टेंस जो है प्रॉक्सिमिटी उसका कोई बैरियर नहीं है मैं कहीं और पे हूँ और आप कहीं और पर हो और हम ये वीडियो शेयर कर पा रहे हैं सो so, ये जो बैरियर होते थे ना सर्विसेज के ये एलिमिनेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन अब हमें ज़रूरी है कि इंटरसेक्शन करें डेटा का और पब्लिक गुड्स सर्विसेज का जो डेटा होता है ना ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट होता है पॉलिसी प्लानिंग सर्विस डिलीवरी ऑपरेशन इसमें इन डेटा का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे कर सकते हैं हम यूज़ कर सकते हैं कंजेशन को हटाने के लिए जैसे आप इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स गुड़गांव तो यहाँ पे शाम को इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप बहुत लेट हो जाओगे तो इससे सोचो कितना ज़्यादा मैन आवर लॉस हो गए कितना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हो गया कितना ज़्यादा इनकन्वीनियंस आया लोगों को बट हम एक डेटा ड्रिवन ऐसा सिस्टम बना लें जो ये पूरे ट्रैफिक को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग करके वो इस ट्रैफिक को रेगुलेट कर दे कि सपोज़ 50 50 व्हीकल्स ही यहाँ पे मूव करा रहा है वो सिस्टमेटिक टाइम बाउंड मैनर में तो ये पूरा जो ट्रैफिक होता है ना पीक टाइम पे ये इजीली मैनेज हो जाएगा ट्रेवल टाइम रिड्यूज़ होगा कॉस्ट कन्वीनियंस ये सब इंक्रीज होगी डेटा के लिए हम सी कैमरा यूज़ कर सकते हैं जो पोल और ये काउंटर्स होते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही एक सिस्टम लेके आए थे लंदन में लंदन में रियल टाइम ट्रांज़िट डेटा आ रहा है कि जब जब मशीन को लगता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे अचानक व्हीकल्स आ गए तो वो उसके हिसाब से रूट प्लान कर देता है गूगल भी कई बार ऐसा करता है गूगल मैप्स में तो हम इससे क्या कर सकते हैं जो अननेसेसरी ट्रैफिक जैम्स होते हैं ना उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी चाइना में अली बाबा ने ए आई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट निकाला है और ये बहुत बड़ा सक्सेस भी हुआ है हमारे हैदराबाद में भी डेटा पोर्टल एक बना है जो ये फेयर शेड्यूल फ्रिक्वेंसी बसेस का ये मैनेज कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा एफिशेंसी आ गई है टाइम पे रन कर रही हैं बसेस तो हमें ज़रूरत है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें किसी भी काम को सक्सेसफुल होना है ना तो उसमें अच्छे लोगों को लगा दो काम अपने आप सक्सेस हो जाता है वो आइडियाज़ आएंगे एम्पावरमेंट आएगा रोड्स होती है ना इनका टाइमली रिपेयर भी बहुत ज़रूरी है जो पॉट होल्स होते हैं इनको हम पूरा करें इससे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बड़े बड़े डेटा बेस्ड इनसाइट्स इज रिक्वायर्ड ताकि हम एक बेटर डिसीज़न ले सकें तो इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पर यह बताया है कि जो डेटा होता है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर वे में कर सकते हैं ये पैरासाइट पॉवर्टी प्राइवेसी एक ऑस्कर विनिंग मूवी है साउथ कोरिया का इसके बारे में कमेंट्री है यहाँ पर देन दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व ये राज्यसभा की 96 परसेंट प्रोडक्टिविटी हुई है प्रोडक्टिविटी मतलब जितना टाइम अलोकेटेड था और कितना काम किया कितने टाइम पर वो डिसरप्शन नहीं हुआ तो इस बार डिसरप्शन कम हुआ 155 मेंबर्स जो राज्यसभा के थे उनको चांस मिला बोलने का मुझे बताओ राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं 41 वन आवर्स जो थे 10 मिनट इसका अलोकेटेड टाइम था उसमें से 38 घंटे 30 मिनट इन्होंने काम किया कितनी अच्छी बात है मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करना है ये एक्सेलेंट चीज़ है अब राज्यसभा जो होती है ना पार्लियामेंट में हमारे तीन सेशंस होते हैं बेसिकली एक होता है बजट सेशन जो अभी चल रहा है ये फेबररी टू मे तक चलेगा फिर मॉनसून सेशन होता है तो मॉनसून जब आएगा मॉनसून कब आएगा जुलाई अगस्त में आएगा तो ये जुलाई टू सेप्टेम्बर मानसून सेशन होता है देन ये होता है विंटर सेशन विंटर सेशन आता है जब ठंड आती है नवम्बर टू दिसंबर तो ऐसे करके तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अब हम आते हैं पेज नंबर थर्टीन पे ये पेज नंबर फोर्टीन है कोरोना वायरस केसेस फॉल बट इतने सारे लोग लॉस देयर लाइफ ये बर्नी सैंडर्स जीत गए हैं प्राइमरी तो ये अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है ना उसके अंदर ही कंपटीशन चल रहा है अब बर्नी सैंडर्स हैं जो बिडेन है ऐसे करके काफ़ी प्लेयर्स हैं उसमें से जो जीत के आएगा वो फिर डेमोक्रेटिक का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा फॉर यूएस एस दैन यहाँ पर बात है इन्फ्लेशन क्लाइम्स इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट येट अगेन मतलब ये दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ रिटेल इन्फ्लेशन सिक्स ईयर हाई पर है सेवन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है आई आई पी है ये रिड्यूज हो गया है पॉइंट थ्री परसेंट में तो ऐसा नहीं अच्छी बात नहीं है इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है ना तो ये भी बढ़ना चाहिए डेटा आई आई पी का डेटा भी बढ़ना चाहिए लेटस गेट अ व्यू ऑन शॉर्ट क्लियरली हम तुरंत एक जल्दी से इन्फ्लेशन के बारे में समझते हैं देखो इन्फ्लेशन यहाँ पे लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन ये सिक्स इयर्स हाई है सेवन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट पे और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है पॉइंट थ्री परसेंट कम हुआ है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है आसान भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी मतलब जिस चीज़ को आपको सौ रुपये में मिल रही थी ना वो अब आपको डेढ़ सौ रुपये में मिलेगी तो उसकी प्राइस बढ़ गई इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन कीमतों में बढ़ोतरी जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया है अब पहले जो चीज़ आपको सौ रुपए में मिल रही थी अब वो आपको डेढ़ सौ रुपये में मिल रही है तो मतलब आपके सौ रुपए का जो परचेजिंग पावर था वो क्या हुआ डिक्रीज़ हो गया तो जब भी इन्फ्लेशन आती है आपका जो पावर ऑफ मनी होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है अब इन्फ्लेशन क्यों आती है दो रीज़न होते हैं एक होता है डिमांड ज़्यादा हो गई और दूसरा होता है सप्लाई कम हो गई मतलब किसी भी चीज़ की बहुत डिमांड हो रही है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो गई मतलब शॉर्टेज हो रही है मिल ही नहीं रही है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल मनी हंड्रेड रुपी में लेस वैल्यू ऑफ आइटम्स आप परचेज कर पाओगे इसीलिए आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई प्लस आपकी जो सेविंग्स है बैंक में आपने दस लाख रुपये सेव करके रखा हुआ है बट दस साल बाद अगर ये ग्रो नहीं किया सपोज तो आपके उस दस लाख रुपये की वैल्यू कम हो गई है तो जो आपकी सेविंग्स होती है ना वो इन्फ्लेशन के कारण एग्जॉस्ट हो जाती है दैट इज़ बाई हम इन्फ्लेशन को कभी ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं हम चाहते हैं कि वो दो से छः परसेंट के बीच में ही रहे ये हेल्दी इन्फ्लेशन है अगर बहुत कम हो गई ना इन्फ्लेशन तो वो भी गलत बात है डिफ्लेशन इज़ ऑल्सो नॉट राइट इन्फ्लेशन हेल्दी इन्फ्लेशन बताती है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन के साथ ये आई आई पी डेटा भी बढ़ना चाहिए जो कि बढ़ाने अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि सपोज आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी भी स्टेग्नेंट है या कम हो रही है तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है इकोनॉमी के लिए इसको बोलते हैं स्टैग फ्लेशन ऑल राइट right. अब इसके इंडाइसेज होते हैं जैसे प्रोड्यूसर बेस पे अपन इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं होलसेल जो होते हैं मार्केट इधर चेक कर सकते हैं या कंज्यूमर मतलब रिटेलर पे हम देख सकते हैं प्रोड्यूसर का पीपीआई होता है ये प्रपोज्ड है होलसेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज निकालती थी सिक्स सेवेंटी सिक्स बास्केट होती है इससे वो काउंट करते हैं इन्फ्लेशन इसमें सर्विसेज नहीं आती है कंज्यूमर जो होती है रिटेल लेवल पे होती है टू सिक्सटी आइटम्स है और इसमें सर्विसेज आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन पहले हम डब्ल्यू लेते थे अब हम सी लेने लग गए हैं और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है अब देखो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना तो इसमें फूड भी है और फ्यूल भी है ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है इनका प्राइस अब फूड देखो जैसे अभी अनियन का प्राइस राइज हो गया तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये भी राइज़ हो जाएगी एकदम से बट जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो हमारी ज़्यादा राइज नहीं हुई वो मैनेजेबल थी सो कोर इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा एक्यूरेटली बताता है कि इन्फ्लेशन अब किस जगह पे जा रही है किस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे फ्यूल का देखो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस चेंज होती रहती है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी फ्लक्चुएट होती रहती है तो ये जो फूड और फ्यूल है ना ये वोलाटाइल है स्टेबल नहीं है तो ये इंक्लूड होते हैं हेडलाइन में बट ये इंक्लूड नहीं होते हैं कोर इन्फ्लेशन में तो कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल ये जो वोलाटाइल गुड्स हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं सो हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलाटाइल गुड्स इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन देन ये डायरेक्ट टैक्स बिल टू इंक्लूड डी इन जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसके एम्बिट में देखो एक स्कीम अभी अनाउंस हुआ था विवाद से विश्वास मतलब विवाद को ख़त्म करो विवाद नहीं होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए तो विवाद से विश्वास बिल है जो टैक्सेशन होता है ना ये अक्सर थोड़ा हरासमेंट को देखा जाता है इसमें इंडियन कंडीशंस में हेरासमेंट कम करना है टैक्स ऑफिशियल्स का इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए टैक्स पेयर जो होते हैं ना एक तो आप टैक्स भी दे रहे हो तो उसको अनकंफर्टेबल नहीं बनाना है हमें उसको एट ईज में रहना चाहिए तो ये विवाद मतलब रिजोल्यूशन को हमें ख़त्म करना है रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसमें जो एपलेंट है वो अपना फाइल डिक्लेरेट डिक्लेरेशन कर सकता है कि दीज आर ऑल थिंग्स आर माई एसेट्स ऑथॉरिटी जो होगी वो टैक्स डिटरमाइन करेगी 15 डेज में और आप उस टैक्स को पे कर दो ख़त्म कोई इसमें डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए सेकेंड थिंग टैक्स पेयर होगा वो टैक्स डिमांड कर सकता है जो लॉक्ड मल्टीपल डिस्प्यूट्स है मल्टीपल डिस्प्यूट्स में अगर पैसा अटका हुआ है ना तो वो उधर से भी टैक्स डिमांड्स आ सकती है ऐसा माना जाता है कि अलग अलग एपलेट में करीब करीब नाइन लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स अटका हुआ है ये लॉकडब है लिटिगेशन फाइल हो रही हैं तो इतना पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना तो इसलिए इसको रिलीज करना है हमें ये पूरा स्कीम इसी को एम्पेसाइज कर रहा है अब इसने इसका एम्बेट और बढ़ा दिया और अब जो डेट डेट बी साइलेंट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ये जो ट्राइब्यूनल है ना ये भी अब इस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा विवाद से विश्वास स्कीम में देन हम फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि जो अनबैंक्ड है मतलब जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं है उनको भी बैंकिंग सिस्टम में लेके जाओ एक स्कीम है ना जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी देन दिस इज पेज नंबर फिफ्टीन ये पेज अन होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्ट इसमें 50 पचास आर्टिस्ट हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे करके आर्ट के थ्रू में बताया है ये टू कंपनी है रेड बिस्कट बुलबुल इज़ नेवर अलोन एंड कैन ब्रिंग ग्रेट जॉय विद इट्स सॉन्ग सो दिस इज पेज नंबर सेवेंटीन शोकेज ये टी गार्डनज हैं दीज आर टी गार्डन्स दैन दिस इज एटीन स्पोर्ट्स कीप चेसिंग योर ड्रीम्स सचिन तेंदुलकर देन दिस इज पेज नंबर नाइनटीन स्पोर्ट्स एंड दिस इज अगेन स्पोर्ट्स सो दिस इज़ टूडेज़ न्यूज़ पेपर आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा विवाद से विश्वास बिल इसमें अब डी भी आ जाएगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल भी देन हमने पढ़ा इन्फ्लेशन का एक जनरल रफ आइडिया लिया कि, कि किस टाइप की इन्फ्लेशन होती हैं पैरामीटर्स क्या हैं कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन फिर राज्यसभा के बारे में जाना सेशन होते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है फिर हमने पढ़ा कि जो डेटा होता है मॉनिटरिंग और नई टेक्नोलॉजीज है इससे हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल सकती है और हमें वो हेल्प लेना चाहिए फिर ये बहुत अच्छा आर्टिकल था इसको आप पढ़ना न्यूट्रिशन एंड द बजट्स फाइन ट्रेंड्स देन बर्ड्स ऑफ अ फेदर देन पेस्टिसाइड बिजनेस रेगुलेशन फिर ये है मिशन रफ्तार रेलवेज़ का ये हमने जामा मस्जिद के बारे में पढ़ा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ए डी आर रिपोर्ट और फिर ये एन डी आर एफ बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर